अगली खबर का रुख करते हैं। पूरा उत्तर भारत कोहरे और ठंड में जकड़ा हुआ है। हालांकि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बीच दो दिन से हल्की राहत जरूर लोगों को मिली है। कश्मीर में चार दिन तक लगातार बर्फ पड़ी, जिस कारण पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। चट्टान से बर्फ खिसकी और देखते ही देखते बेहद घातक हो गई। एवलांच की इन तस्वीरों ने बता दिया कि बर्फबारी कितना खतरनाक स्वरूप ले सकती है। ये तस्वीरें बांदीपुरा की हैं। यहाँ इतनी बर्फ पड़ी कि चट्टान भी उसका बोझ नहीं संभाल पाई। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में बर्फीला तूफान उठा, लेकिन गनीमत इस बात की थी कि इस बार किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दवार इलाके में किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ। अब बांदीपुरा की ही दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ सड़क पर भारी बर्फबारी की वजह से एम्बुलेंस फंस गई। ऐसे में सेना के जवान आगे आए, सब ने मिलकर जोर लगाया और एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। अब जवाहर टनल की तस्वीर देखिए। बड़ी मुश्किल से सड़क पर पड़ी बर्फ को हटाया गया। कई फीट तक बर्फ जम चुकी थी, जिसे हटाने में घंटों का वक्त लगा। आखिरकार मेहनत रंग लाई और तेल से भरी यह टैंकर घाटी के लिए रवाना की जा सके। श्रीनगर में चार दिन के लगातार बर्फबारी के बाद दो दिन से हल्की राहत है। ठंड तो कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन बर्फबारी रुकने से लोगों ने राहत की सांस ली है। अब सड़कों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। बर्फबारी रुकने की वजह से श्रीनगर फ्लाइट शुरू हो पाई है। कश्मीर में चार दिनों के बाद मौसम में आए सुधार के साथ ही जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। दुकानें खुलना शुरू हो चुकी है और सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही है। चार दिनों से भीषण बर्फबारी के कारण घाटी में जिंदगी की रफ्तार थम चुकी थी, लेकिन आज मौसम में बेहतरी के साथ ही लोग अब अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हुए हैं। हालांकि बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जो श्रीनगर शहर से कट ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि श्रीनगर में करीबन 1.5 फीट के आसपास बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी, जबकि पहाड़ी इलाकों में करीबन 4 से 5 फीट बर्फ जो है वो जमी हुई है। श्रीनगर में बर्फबारी भले ही रुक गई है, लेकिन टूरिस्ट अभी भी फंसे हुए हैं। फ्लाइट कैंसिल हुई तो टूरिस्ट के रुकने की समस्या सामने आ गई। ऐसे में जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट इनकी मदद के लिए आगे आया और रुकने का इंतजाम किया। अब टूरिस्ट राहत महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली आज हमारी फ़्लाइट थी वापस जाने की और एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं तो फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो चुकी है। सो अभी हम इस डिपार्टमेंट जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास आए हैं तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमको रूम्स दिए हैं। मीन्स पीपल हियर आर हेल्पफुल, इन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की है, फ्री ऑफ कॉस्ट रूम दे रहे हैं एंड दे आर चार्जिंग ओनली फॉर फूड, नथिंग एल्स। एंड रूम भी यहाँ सर्विस बहुत अच्छी है, इनकी रूम बहुत अच्छे हैं। टूरिज्म की तरफ से तो काफ़ी अरेंजमेंट्स हैं। इनफैक्ट द लोकल पीपल हियर आर वेरी नाइस। एंड जैसा कि अभी आज का हमारा फ्लाइट था जो कैंसिल हो गया है, एंड उसके बाद वी वर लाइक सो वरीड कि अब इसके बाद हम लाइक होटल में शिफ्ट होंगे और कितने दिन तक ये वेदर ठीक होता है या नहीं होता है। बट टूरिज्म के थ्रू हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रूम्स मिले हैं। बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है, मदद मिलना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो श्रीनगर के बाहरी इलाकों में रहते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ से जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। बर्फ की मोटी मोटी दीवारें जो है यहाँ पर आपको इस इलाके में दिखाई देंगी। दूर दूर तक पहाड़ों पर भी काफ़ी बर्फ मौजूद है। हालांकि बर्फबारी के बीच में कश्मीर बेहद खूबसूरत दिख रहा है, इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। लेकिन जब ये बर्फ हद से ज़्यादा गिरने लगती है तो फिर आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
सकते हैं ये लिंक रोड है जो गाँव की ओर जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़ है, सामने गाड़ियाँ जो है जो पिछले 4-5 दिनों से पार्क की हुई है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये इलाका जो है यहाँ करीबन 40,000 की आबादी इस इलाके में है और इन लोगों का कहना है कि पिछले 4 दिनों में यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान है क्योंकि रास्तों से बर्फ़ नहीं हटाई गई है, बिजली कहीं कहीं तो दिखाई दे रही है लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे इस इलाके में है जहाँ पर अभी भी बिजली का नामो निशान नहीं है। गांव में रहने वालों को अभी केवल राहत बर्फबारी से मिली है, उनके सामने दूसरी परेशानियां बरकरार हैं। घरों में सप्लाई की कमी हो गई है, रास्ते बंद हैं, लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जरूरी सामान लेने आना पड़ रहा है। बर्फ यहां से गिरी है, कोई मशीन नहीं आ गई, 2-4 दिन से बिजली भी नहीं थी यहां पे, और अगर कोई बीमार पेशेंट होगा या कोई प्रेग्नेंट औरत होगी उसको हमें यहाँ से लेने में बहुत मुश्किल होता है, पावर भी नहीं है। और यहाँ पे एक गनाई महला है, उनको जो ट्रांसफार्मर है वो भी जल गया है, उनका पावर नहीं, कुछ नहीं, इस वक्त पानी नहीं, सारी चीज़ बेकार हो गई, हम लोग भी बेकार है, सड़कों में बर्फ़ नहीं उठाई और मशीन नहीं कोई, पैदल आते हैं पैदल जाते हैं, बहुत 4-5 किलोमीटर दूर से हम आए, 4-5 किलोमीटर दूर आपने बर्फ के बीच में, बीच में आगे, बीच में देखो ना, बहुत सर्दी है इस वक्त, सर्दी में हम आगे। आप खुद ही देखिए कि बर्फ तो जब से स्टार्ट हुए तब से तो यहाँ मशीन आई भी नहीं है, यहाँ पे लोगों को पहले पावर की प्रॉब्लम, चलो शुक्र है अल्लाह का क्या जो पीडीडी वालों ने तो पावर को रेस्टोर कर दिया, बट सुनो कि तो कोई बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि मशीन तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, ऊपर से फकीर गुजरी से लोगों को पैदल आना पड़ता है, कोई बीमार है कोई कुछ है तो हद से ज्यादा सख्ती है यहाँ पे। मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है लेकिन अभी तक पूरी तरह कोई अनुमान सामने नहीं आया, इसलिए आप अगर हिल स्टेशन में हैं तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे की प्लानिंग कीजिए। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।